तज्जेति परम ज्योति समं समस्तैरनंत परेयायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जीवन जीने की अपनी अपनी शैली होती है, अर्थात शरीर रूपी पड़ोसी के साथ जीव कैसा बर्ताव करे, कैसा व्यवहार करे, सलूक करे, इसकी न्यारे न्यारे जीवों की अपनी अपनी स्वतंत्र पद्धति होती है। मोह करने को भी, उस पड़ोसी को अपना मानने को भी हम स्वतंत्र है और न मानने को भी स्वतंत्र है। अपना मानने में भी कितनी डिग्री में हमें अपना मानना, वह भी स्वतंत्र है। एक एक चीज की स्वाधीनता है। ये हम इसको थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं, देखो कुछ लोग तो इतने मोही होते हैं, रेल में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कोई यात्री आकर बैठा, बैठा ही नहीं कि कोई रेल के आपसी लोग ऐसे होते हैं बैठे वाले, बस चर्चा छेड़ देते हैं, आप कहाँ से आए, आपको कहाँ पर जाना है, इतने में ही आप वे चुप नहीं रहते। अच्छा अब करते क्या है वहां पर, अब देख सकते हैं ऐसे अक्सर लोग मिलेंगे, दो घंटे की उनकी अवधि होती है वहां पर मिलना बना है, वो इतने पास आकर खड़े होते हैं और फिर जाते समय भी हम उनको देख सकते हैं, बराबर उनको छोड़ने के लिए वो गेट तक जाते हैं वहां तक, फिर संभव बने तो सामान भी बराबर से ढोएंगे और उनका बर्थ डेट आदि लेना कभी नहीं भूलते। अपन सब ये तमाशा देखते रहते हैं और जरूर फोन करेंगे, जरूर आना कभी मौका पड़े तो। ये मोह को स्थापित करने की सबकी अपनी अपनी रीति नीति है। हमको ऐसा लगता है क्या फिजूल ये फालतू चर्चा कर रहा है, जहां जहां पर हम फंसे हैं वहां से भी निकल नहीं पा रहे और ये नए नए गड्ढे खोद रहा है, कैसे पार पड़ेगी आखिर। लोग तो इतने मोही होते हैं मोफत की भी आफत मोल लेते हैं। मोफत की आफत, कुत्ता पाल लिया, बस कुत्ता मर जाए तो दो दिन भोजन नहीं कर सकते। इन न्यूली डेवलप्ड मोह, क्या कहेंगे इसको, खड़ेले खड़ा करीला प्रसंग छे, क्या कहा मैंने, ये शादी भी खड़ा करीला प्रसंग ही है। माता पिता के प्रति मोह होना यह अभी पड़ीला प्रसंग है, लेकिन शादी करके बच्चे पैदा करना और उनके प्रति मोह स्थापित करना यह खड़ा करीला प्रसंग छे। समझे, सभी मोह को स्थापित करने में सबकी अपनी अपनी विचित्र बात है। ये जो जितना निर्मोही होकर यहां से जाए वो संलेखना नाम पाता है और उसकी उतनी सफलता होती है। कहने की बात मेरी इतनी सी है, देह तो जाएगा ये सभी कहते ही है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हम प्रत्यक्ष रूप से इसको अनुभवते भी है। देखो हर एक नोट पर लिखा है आई प्रॉमिस, लिखा है आपने पढ़ा होगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं इसको दूंगा, अपने हाथ में आई है, मैं आगे इसको, चलन है ये, कोई घर में रखने की साधन सामग्री थोड़ी है ऐसी, मैं आगे इसको फॉरवर्ड करूंगा, ये चलन में इसको बाधा नहीं करूंगा। वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा नोट स्वयं ये बोल रही है, आज तेरे पास है कल किसी और के पास होगी। कोई मोह बढ़ाना चाहे उसके लिए कौन क्या कर सकता है, देह है आज हमारे पास है, कल इसी के परमाणु बिखर कर कहीं और चले जाए, अन्य रूप हो जाए, और ये परमाणु कल किस रूप थे उसका क्या ठिकाना है। लेकिन कोई मोह करे उसको हम क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं अन्य अन्य ग्रंथों में किस प्रकार इस शरीर की विनाशकता समाई है, लोक प्रवृत्ति के बोलचाल में भी, शब्दावली में भी किस प्रकार ये वैराग्य की पुट, देह के नश्वरता का संकेत, सूचना किस प्रकार आती है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। धर्म धर्मांतरों में भी और कहां कहां पर क्या क्या है उसको थोड़ा देखते हैं,
और भी कहीं कल जैसे हमने देखा तो शिलालेख आदि में थोड़ा बहुत जितना मेरी पकड़ में है पढ़ने में उतना सब हम सब देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कालिदास ने, महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता, उसकी प्रसिद्ध सूक्ति है मरणम प्रकृति शरीरिणाम, अर्थ शरीरियों का मरना ये नेचर है, जातस्य मरणम ध्रुवम, ये ध्रुव सत्य है कि जो जो भी यहां पर आया है उसको देह का त्याग करके जाना है। अभी अभी भगवद गीता की भी आपने एग्जाम दी है, दूसरे अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो यहां के भी विद्वान यद्वा तद्वा बोलते रहते हैं, कोई बताएगा, आशय उसका यह है वासासि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार कोई बोलिए अर्थ कोई बताएगा, वासासि जीर्णानि यथा विहाय, बोल वासासि, वासासि वस्त्र को, वास वस्त्र वस्त्र, वासासि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार जीर्ण वस्त्र को जिस प्रकार त्याग कर देते हैं और नवानी और नवीन को ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये शरीर रूप वस्त्र को छोड़कर नए शरीर को अंगीकार करते हैं। ऐसा सर्वत्र लिखा है, मैंने कल कहा था, जितने भी आप हिंदू मुसलमान के भी शास्त्र पढ़ोगे आप, या आध्यात्मिक संस्कृति सर्वत्र ये कहती है कि देह तो जाएगी, उसका जाना अवश्यंभावी है। अब देखिए संलेखना के तरफ से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी वैदिक संस्कृति में एक स्पष्ट शब्द मिला है जो मुझे आज मिला है, मैं उसको ढूंढ रहा था कहां पर मिलेगा, आज मुझे सुबह मिला, उसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द उन्होंने दिया है प्रायोपवेशन, संलेखना के लिए उनके यहां पर्टिकुलर वर्ड है प्रायोपवेशन। वैसे आप लोग सब जानते हैं पतंजलि कृत ये जो योग के अष्टांग है, यम नियम आदि, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा ना भगवद गीता में, तो उसमें अंतिम अंग क्या बताया है, समाधि, तो ये इसी समाधि की तरफ संकेत करते हैं, ध्यान प्राणायाम श्वासोच्छ्वास वो सब लिया है उन्होंने और अंत में समाधि ली है, अपनी तरफ संकेत करता है। अब देखिए कल मैंने एक बात आकर जहां पर आकर मैं रुका था, कोई याद दिला सकता है मुझे मैं कहां पर आकर रुका था, मैंने कल कहा था कि मैं इस प्रकरण से आगे कल खड़ा होऊंगा। हाँ वैसे गाड़ने झलाने की बात आप कह रहे हो उसको मैं थोड़ा सा उठाऊंगा अभी, वैसे मैंने कल और एक बात कही थी आपको याद होगा तो, देखो अब मैं कुछ बोलूंगा अब भ्रम नहीं पालना उसका, आके अच्छे से वाइड ओपन करके सुनना, इस बात को समझने का प्रयास करना, सांप्रदायिक नहीं बनना चाहिए। क्या मतलब है, आपको क्षण भर में यह लगेगा ये तो वैदिकों की बात करने लग गए, ये तो जैनी की बात करने लग गए, हम एकाग्र एक मुखे ना हम इस बात का विचार करें। देखो ये जितने भी मत संप्रदाय खड़े हुए हैं ये भूल और भ्रम से खड़े हुए हैं, मूल सेंस मूल थीम कोई अन्य नहीं रही थी। मैंने कल यहां पर आकर रुका था, मैंने कहा था वैदिकों ने ब्रह्म निर्वाण कहा का कंसेप्ट का यहां पर आकर रुका था, और जैनी बौद्धों को ये ब्रह्म शब्द अच्छा नहीं लगा, मैं उसका सेंस खोलता हुआ भी, तो उन्होंने निर्वाण शब्द का प्रयोग किया। एक विधायक कथन है और एक निषेधक कथन है, क्या बोला मैंने, विधायक समझते हो आप, विधायक किसे कहते हैं, विधायक नहीं समझे, विधायक विधिपरक, विधिपरक अभी भी नहीं समझे, विधिपरक पॉजिटिव अप्रोच, ये शब्द आपको कही गया है, विधि गया है, ये विधि की बात नहीं है, विधिपरक निषेधपरक, विधिपरक निषेधपरक सप्तभंगी आपने पढ़ा है, स्यात अस्ति स्यात नास्ति ये विधिपरक है, अभी पकड़ में आ रहा है कुछ, अभी भी नहीं, फिर कुछ है ना, अपन कहते हैं ना ये
सात भंग है, कुछ विधि परक है और कुछ निषेध परक है। विधि मतलब अस्ति और निषेध मतलब नास्ति। तो कहने की बात यह है मेरी कि वैदिकों को विधायक कथन अच्छा लगा और जैनी बौद्धों को निषेधक कथन अच्छा लगा। अभी क्या है उसका सेंस मैं थोड़ा बताता हूं। देखिए, ब्रह्म निर्वाण का अर्थ ये निर्वाण में भी घटित होगा, संलेखना में भी घटित होगा और देह त्याग में भी घटित होगा। अपने अपने स्तर पर सब घटित करने का प्रयास करें। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ वे लोग मानते हैं, आप लोगों ने सुना था, आज के लोग ये मानते हैं कि जब भी जीव निर्वाण को प्राप्त होता है, निर्वाण के नाम पर क्या मानते हैं वैदिक अभी उसकी छोड़ो, लेकिन वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है मानते हैं। फिर वो मानते हैं एक दीपक है, फिर एक बड़े दीपक में जाकर उस दीपक में जाकर मिल जाता है। ये तो भ्रांत कल्पनाएं हैं लोगों की, ऐसा नहीं कहा था ना उन्होंने। मूल तो ब्रह्म निर्वाण का अर्थ, ब्रह्म मतलब होता है लीन होना। ब्रह्म लीन होना मतलब अपने आत्मा में पूर्णतया लीन होने की बात थी, वो व्यापक होने की बात है। व्यापक ही होता है और क्या होता है निर्वाण मतलब, व्यापक नहीं होता है। व्यापक मतलब पूर्णतया फैलना, पूर्णतया फैलना मतलब अपने गुणों का पूर्ण विकास। फैलना वैलना मतलब ऐसा थोड़ी है कोई क्षेत्र की अपेक्षा से फैलना था कि देह हटा। देखो देखो थीम वही है सब जगह। वे कहते देह रूपी पर्दा आड़ा आ रहा है, आज के लोग कह रहे हैं। आज के लोग देखो मूल कंसेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। मूल वैदिक कहो कुछ भी कहो, आप मेरे को पूछोगे आपको तकलीफ होगी, मूल सब एक ही बात है। ये वैदिक कैसे वैदिक बन गया आज का वैदिक, ये बहुत बड़ा किस्सा है। इसके लिए इतना समझना काफी है। बात तो इतनी सी थी, हमारा मस्तक आपके चरणों में है, इतना ही नहीं समझे तो बलि की प्रथा चालू हो गई है कि मस्तक मस्तक चढ़ाना है, मस्तक चढ़ाना है। अरे मस्तक चढ़ाना मतलब अपन को झुकने की बात थी वहां पर। तो आज लोग क्या मानते हैं उसकी बात थोड़ी कर रहा हूं मैं तो कह रहे वहां पर तो इतना ही था ना, मस्तक मस्तक को चढ़ाना मतलब मस्तक को झुकाना, अर्पण करना मतलब, ऐसा थोड़ी कि अलग करके अर्पण करने की बात थी। आज के लोग क्या मानते हैं उसकी बात मेरी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, वे ये कहते हैं कि ये देह आड़ी आ रही है। अपन को अपन ने भी कहा एक कलश में, कहां पर कहा बोलिए, राइट, वेरी नाइस। ये मोह रूपी चादर आड़ी आ रही है, इसको थोड़ा सा अलग कर दो। तिरस्करिणी भरेण मज्जन्तु निर्मर निर्भर ममी सममेय वलोका, अंतिम कलश अमृतचंद्र स्वामी का आत्मख्याति का जीव जीव अधिकार का, जिसमें कहा ये इसको तिरस्करिणी भरेण, ये तिरस्करिणी ये पर्दे को थोड़ा अलग कर दो और फिर देखो कैसा ज्ञान अवबोध सिंधु कैसा उछल रहा है, देखो तो उसमें डुबकी तो लगाओ। अभी पर्दा ये मोह का साधन है ना, ये पर्दा। अभी वो क्या कहते हैं, इस शरीर को हटाओ तो ये बाधा हट जाएगी तो फिर आत्मा व्यापक हो जाएगा, ऐसे भी मानते हैं आज के लोग की बात है। मूल तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था और मूल कंसेप्ट भी सचमुच ऐसा समझना है। इस देह रूपी चादर मतलब देह के प्रति जो ममत्व है, अथवा द्रव्य मोक्ष भी आप लेते हो, जब शरीर हटेगा तो आत्मा व्यापक होगा, व्यापक मतलब गुणों का पूर्ण विकास होगा, ऐसा अर्थ लेना था आपको। अभी जो वे ब्रह्म निर्वाण कहते हैं, अब क्या माना जैनी बौद्धों ने, वे कहते निर्वाण, निर्वाण कहो आप, निर्वाण नास्तिक पर कथन है, शून्यता को प्राप्त होता है ऐसा बोलो। तो वैदिकों का कहना है क्यों आप नास्ति नास्ति की धुन लगा रहे हो, अब पूरा फैलता है ऐसा क्यों नहीं बोलते आप। ए अच्छी लग रही ना बात आपको, आप निर्वाण हट गया हट गया हट गया क्यों बोल रहे बार बार। तो जैनी बौद्धों को यह बोलना पड़ा कि नहीं नहीं, सुनो सुनो ध्यान से, हम जो शून्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, शून्यता जगह जगह आया ना, एक समय सार की गाथा बोलो, समय सार की एकाध गाथा बोलो, नवि अथि मध्य किंचित, क्या क्या मेरा कुछ भी नहीं है, ये शून्यता की बात खड़ी हो गई। तो वैदिक ये कहते मेरा कुछ नहीं है ऐसे क्यों बोलते हो आप, अब फैलने की बात रखो, अस्थि परक बात करो। जैनी बौद्धों का ये कहना रहा इसमें कि अपनी सत्ता को भी विलीन करना है,
अपनी सत्ता का भी विकल्प नहीं रखना है, मुझे व्यापक होना है, ऐसे विकल्प से भी बस हो शून्य हो जाओ। आप समझते हैं मेरी बात को? देखो उनकी भी अपेक्षा समझो, अपनी भी अपेक्षा समझो। कथन दो नहीं है, कथन का निरूपण दो प्रकार से है। आज कौन क्या मानता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही कहा था सांप्रदायिक नहीं बनना चाहिए, आगे बढ़ना है। अभी आइए अपने प्रकरण में। आजकल एक प्रचलित चीज होती है, अभी तो बहुत लोग हैं जो दाह्य संस्कार में भी कोई जाता होगा, एक अच्छा अनुभव है जाति स्मरण का निमित्त बना था श्रीमद राजचंद्र जी को, आपको ज्ञान में होगा। वहां पर एक हंडी फोड़ी जाती है, मटका फोड़ा जाता है, आपको ज्ञान में है यह सब। वो मटका फोड़ना काय का प्रतीक है मालूम? वे ये कहते हैं ये तो देह तो खत्म ही हो गई है, ये तो मर ही गया है, अभी सच्चे अर्थ में ये मरे, सच्चे अर्थ में मरे, इसका मन रूपी पंछी भी मर जाए। और वे कहते समय में भी ऐसा कहते हैं, वासना का ठिकरा फोड़ दो। क्या बोलते हैं उसको? वासना का ठिकरा फूट जाए। फूट जाए मतलब ये तो हमारे बीच में से चले गए हैं, लेकिन ये जन्म मरण की श्रृंखला जिसका आधारभूत यहां पर बात आ रही थी चार पांच दिन पहले, मोह ममता कषाय और परिग्रह, वो आधार है, ऐसी बात आ रही थी दो चार दिन पहले। तो कहते वो वासना का ठिकरा फूट जाए। और देखो फिर परंपरा कैसी चल पड़ी, परंपरा ऐसी चल पड़ी, पहले अपने जैनियों में भी ये सब इतिहास की बातें हैं, गाड़ा जाता था सबको एक साथ। क्या क्या? पहले जलाने की पद्धति ऐसी नहीं थी अपनी भी, ये आपको मिलेगा रामधारी सिंह दिनकर, भारतीय संस्कृति के चार अध्याय, इसमें उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है कि जैनी बौद्धों के यहां पर भी पहले परंपरा गाड़ने ही की थी। अभी क्या रहस्य उसके, वो भी मैं थोड़ा सा खोलू। गाड़ा पहले गाड़ा जाता था, और गाड़ के वो चैन से नहीं बैठते थे, फिर गाड़ के फिर उस पर आम का पेड़ लगा देते थे। तो फिर ये कहते थे, ये मेरे पिताजी को यहां पर गाड़ दिया था उनके शरीर को, और उस पर आम लगा देना, तो एक ख्याल में चीज रहे ये आम के माध्यम से कि यहां पर गाड़ दिया गया था, उस पर कुछ ना कुछ पेड़ पौधा लगा ही देते थे, ये मेरी मां को यहां पर गाड़ दिया था और उस पर ये नींबू लगाया है हमने। अब वो ये भी प्रचलन चल पड़ा फिर कहने का, भाषा ऐसी चल पड़ती थी, यहां पर क्यों लगाए भैया? तो कहते थे यहां की हड्डी, इनकी हड्डी वो जीर्ण होकर वो खाद के रूप में वो पेड़ को पोषण करेगी। ये जितनी भी भाषा है उस भाषा का क्या रहस्य आप समझते हो? वे अभी नहीं रहे हैं, वो जो पार्थिव उनका शरीर था वो मिट्टी मिट्टी में मिल गया है अभी। ये भली मानती हमें ज्ञान में रहे, उनका एग्जिस्टेंस अभी उस दैहिक रूप में कुछ नहीं है, और वो जीव है, वो अपना अपना सफर तय करता हुआ जैसे आया था वैसे अपने परिणामों के हिसाब से भोगने के लिए चला गया। लेकिन फिर उसके नाम पर भी तकलीफ होने लग गई। क्या तकलीफ होने लग गई? जैसे गाड़ दिया, कुछ नहीं सही पेड़ पौधे तो कौन लगाए, तो वे चबूतराए कर देते थे उस पर। ये परंपरा देखते हैं आप क्रिश्चियनों वगैरह में, तो आम देख सकते हैं, रेलवे वगैरह गुजरती है, बस गुजरती है, तो गांव के बाहर ही ऐसे स्थान होते हैं तो जहां पर क्रिश्चियन वगैरह लोग है अथवा मुस्लिम लोग है, स्पष्ट देखते हैं एक टॉम कर देते, एक टॉम स्टोन खड़ा कर देते वहां पर, है ना, ग्रेवयार्ड किसने देखा होगा, और एक नेम प्लेट भी डाल देते हैं वहां पर। आप देखेंगे एक आग घुमाएंगे तो सैकड़ों नेम प्लेट्स आपको दिखेगी। तो फिर एक तकलीफ खड़ी होती है कि गौण करने के नाम पर ये फिर मुख्य होने लग गया। कैसे कैसे? अब तो गाड़ देने की बात ये थी कि उसको भूल जाओ। लोक में भी कहते हैं क्या, गड़े मुर्दों को मत उखाड़ो। तो हमने तो गाड़ दिया ना, लेकिन गाड़ के उखाड़ा तो नहीं ना, उखाड़ने बराबर ही तो है नहीं है। कैसे उखाड़ने बराबर है? तुमने चबूतरा कर दिया वहां पर, और चबूतरा करके तो फिर एक तुमने एक चिन्ह नक्की कर दिया कि यहां पर हमारे दादाजी को गाड़ा था, हमारा पन छूटा नहीं ना तुम्हारा। और गाड़ा तो गाड़ा, नेम प्लेट भी यहां पर एक आदमी स्वयं सो नेम तो यहां पर रहता था। तो ये बहुत हावी होने लग गई, तो ये परंपरा मिटना जरूरी हो गया।
इसको लेकर भी मोह करता है ये, तो कहते एक काम करो, अभी क्या किया जाए, तो कहते हैं जलाने ये पद्धति उचित है, तो जलाकर पूरी राख कर दी जाए उसकी। तो राख मतलब अभी उसका कुछ भी नहीं रहा, तो नेम प्लेट के नाम पर भी उसका नाम निशान नहीं रखना चाहिए। हो गए ना, हो गए वो, और वो राख भी मोह वशत वो राख भी हम फिर घर पर लेके आए। आप समझते हैं मेरी बात को, हम फिर मोह में उलझ गए ना उसको। देखो परंपरा कैसे बिगड़ती गई, वो राख वो तो प्रतीक इसका था कि वो खत्म हो गया, अब राख हो गए, अब क्या रहा उसमें। लेकिन लोगों ने तो राख घर पर भी लेके आए। अब जानते होंगे गांधी जी भी जब गए थे तो 206 कंट्रीज में उनकी राख चली गई। अब ऑटोबायोग्राफी सब पढ़ लेना, उसमें सब मिलेगा आपको। और फिर गुरुदेव भी गए थे तो फिर क्या हाल हुआ था सब जानते होंगे। फिर थोड़ी थोड़ी राख कर करके फिर इतने इतने बड़े गड्ढे तक हो जाते वहां पर। मतलब ये नहीं समझते, वो मोह को अभाव करने के नाम पर हम फिर मोह को पुष्ट करते हैं। लेकिन मैं और एक चीज बताता हूं आपको, हमने राख लाई और उसको बांध दी घर के बीचों बीच, लाल वाल कपड़े में कुछ बांधते हैं, मैं भी ज्यादा नहीं जानता हूं ऐसा कुछ। तो अब वो लाते हैं तो वो काय के लिए मोह पाल रहे आप, तुम मोह पालने के लिए नहीं है वो ये समझने के लिए लाई है वो राख कि अभी बार बार नहीं रोना, उसकी तरफ देखो, ये खत्म हो गए जिसके लिए तुम रो रहे हो। आत्मा के लिए तो डेफिनेटली नहीं रो रहे हो तुम तो देह के लिए, क्योंकि झगड़ने वाला भागने दौड़ने वाला तुम्हारी सेवा करने वाला ये देह ही था, और ये देह की देखो वो इतने से कपड़े में आ गई है, खत्म हो गया, अभी उसको देख देख कर फिर से मोह नहीं करना। और भी लोक में जितनी भी परंपराएं पड़ी है, जैसे दीपक बुझने को होता है वो दीपक बुझाओ ऐसा नहीं कहते लोक में, क्या कहते बताओ, अभी बहुत अच्छे से बताओ। नहीं नहीं कह सकते आप लोग, बोलो, आप लोगों ने नहीं सुना कभी घर पे कोई दादा दादी होंगे वे तुरंत कहते दीपक बुझाओ, ऐसा नहीं बोलना, अभी दीपक कह रहे हैं जो कोई बोले, खेली खत्म है पूरा, वो भाषा खत्म हो गई ना पूरी। मैं बहुत सोचता हूँ इस बात पर, ये बहुत कठिन है इस काल में सम्यक तो होना। इतनी कृत्रिमता आ गई अभी सर्व प्रकार से, अभी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, यथासंभव सदाचारी जीवन जी रहे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो खत्म हो गई वो दम, क्या पहले कहते, हमने भी थोड़ा बहुत देखा, कहते तो बुझाना नहीं कहना इसको, बोलो बढ़ाना, इसको बढ़ा दो, बढ़ा दो मतलब, बढ़ा दो मतलब बढ़ाना नहीं, बढ़ाना मतलब बुझाना। अभी सुनो उसका विकास कैसे हुआ लोक में, देखो अभी दुकान भी बंद करना नहीं बोलना, कहते वे कहते दुकान बढ़ाने जा रहे, बंद करना नहीं बोलना। वो दुकान में नहीं था वो प्रचलन, तुमने दुकान में कैसे डाल दिया, वो तो दीपक में था, और दीपक रिप्रेजेंट्स जीव आत्मा, तो ये दीपक बुझता नहीं है, ये दीपक बढ़ता है, बढ़ा दिया, हाँ बढ़ा दिया मतलब बुझना नहीं कहते उसको। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, ये जो जीव गया यहां से, मरण जिसको कहते हैं, तो गया नहीं है वो, बढ़ा है अपने आगे सफर के लिए, बढ़ गया है, ऐसा कहो आगे के सफर के लिए। तो बहुत अच्छी भाषा में बढ़ा है मतलब संलेखना रूप धर्म को अंगीकार करके निश्चित तौर पर उसकी गुणवत्ता बढ़ी है। एक और, लोक में घड़ा भी फूटता था तो उसको एक कहते थे हो गया कल्याण, सुना नहीं सुना ये भी, ये तो एक एक चीज हमने सुनी है अब बहुत टाइम पहले सब, और इसके उसके मुख से। हम भी ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहां पर लगभग सैकड़ों फैमिलीज रहती थी और सभी जात पात के, तो उसके माध्यम से सब संस्कृति पकड़ में आती थी। अब हम इतने सोफेस्टिकेटेड बिल्डिंग्स में रहते हैं और मुश्किल ही है दूसरा कोई दिखे, अब हमको कैसे, क्योंकि बहुत सारी परंपराएं संस्कृति ये देख देख कर सबके बीच में रह रहकर सीखा जाता है, ये कोई पुस्तकें पढ़कर बहुत पार पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं होता। घड़ा फूट जाए तो ये कहते थे हो गया कल्याण इसका, कल्याण इसलिए कहते थे, घट रिप्रेजेंट्स, बोलो, देह को घट कहने का प्रचलन है, घट घट में जैन, इसको घट कहते ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों घट को भी उदराकार नहीं कहते क्या, घट घट सुनो घट बनाने वाले कुम्हार को प्रजापति कहते हैं, बहुत साइंस है भैया, बहुत साइंस है ये, ऐसा ही किसी की काल्पनिक बात नहीं है धर्म, मतलब क्या प्रजापति कहते हैं उसको, और प्रजापति एक भगवान का नाम है, आप जानते हैं ब्रह्मा का नाम है, देखो ये बोल रहे प्रजापति, अब प्रजा तो उसको भी कहते हैं प्रजा,
किसको, एक एक जंतु को भी प्रजा कहते, प्रजापति वैसे तो राजा को भी कहते। अब पकड़, मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, मैं इसलिए कह रहा हूं ये घट रिप्रेजेंट्स शरीर, तो घट फूट गया, शरीर विनश गया, तो कहते थे इसका कल्याण हो गया, क्यों कहना हमेशा हमेशा के लिए हुआ हो तो निर्वाण के लिए चला गया, कल्याण ही हुआ उसका। अरे कल्याणक क्या चीज है भैया, हमेशा हमेशा के लिए चला जाए तो कल्याण ही रहा, हमेशा के लिए भले ना जाए, चुपचाप निर्मोही बनकर छूटे तब भी वो कल्याण ही है, कल्याणक का बीज है उसमें पड़ा संलेखना के रूप में। आप देख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द में भी किस प्रकार ये भाषा फैली है पूरी। अब मैं ये और भी जितनी भी परंपराएं लोक में प्रचलित है, जैसे सिर मुंडाना, कोई मरने के बाद वो सिर मुंडाने की परंपरा भी देखो, सब जगह एक ही साइंस है, उसमें वैराग्य पोषण होना चाहिए। सिर मुंडाना तो आम प्रचलन है, कब मुंडाया जाता है सिर बताओ, जब विधवा होती है, जब जब कोई वैराग्य प्रसंग होता है, तो ये सिर मुंडाने का क्यों औचित्य क्या है इसमें? औचित्य ये है इसमें, क्योंकि बाल ये श्रृंगार का आभूषण, श्रृंगार का प्रतीक होता है। क्या बोला मैंने, ये श्रृंगार का प्रतीक है, और बाल हटे मतलब हमको अभी कोई राग नहीं रहा, किसमें, सजने में, धजने में आदि, अब देख लेना। इसलिए पहला कदम वैधव्य का पहला कदम सिर मुंडाने की तरफ होता था, और फिर बाकी के आभूषण तो छूटे तब छूटे, क्योंकि मूल आकर्षण केंद्र बिंदु बाल होता है। इसलिए देखो हर हर कुछ करना चाहते हैं हम, ये सिर मुंडाना हर एक के बस की बात नहीं है, समझ में आता है? तो सिर मुंडाने की परंपरा भी एक वैराग्य का प्रतीक था, अब हमको कोई रस नहीं रहा इसमें। वो कोई ऐसे थोड़ी वे मरे तुम, हमको करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता वर्ता की क्या बात आई यहां पर, वो तो इतना वैराग्य हुआ है अब हमको कोई सारभूत नहीं दिखती। ये लोक में फैली परंपराओं को थोड़ा मैंने बुद्धि प्रमाण यहां पर बताया है, ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता हूं, जितना जानता हूं उतना मैंने मेरी बुद्धि अनुसार खोलने का प्रयास किया है। वैसे आज ही और एक चीज मुझे मिली है, मैं वैसे ही सर्च कर रहा हूं, अध्ययन तो मैंने सब पहले कर रखा है, करता रहता हूं, ये अचानक अध्ययन का फल नहीं होता है ऐसा, ऐसे थोड़ी कोई क्लिक करो कंप्यूटर पर समाधि खोलो और पूरा 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 मैटर आता जाएगा, और वो तुम्हें जानता भी नहीं हो कुछ, ये तो पढ़ा वाला सब, ये तो ज्ञान में रहता है, हमने कहीं पढ़ा है, कल का पेपर ये पेपर नहीं है, वैसे आपको लगेगा ये इसी पेपर पर है सब, तो ऐसा है, तो फिर सॉर्टिंग चालू होती है, हमने कहीं पढ़ा है इस संबंध में। मैं आज आपको एक बहुत शानदार चीज पढ़ के दिखाऊंगा, ये एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल विनोबा भावे जी का संलेखना हुई थी, उसकी मुख्यता से आर्टिकल लिखा गया है। ये विविधताओं से और नए नए प्रमेय से भरा ये प्रकरण है, आपको बहुत लाभदायक होगा ये। देखिए ये आर्टिकल लिखा है मूलचंद बढ़ जाते जैन, मूलचंद जैन ने लिखा है ये आर्टिकल, अपने ही जैन है कोई थे, अभी अभी तो होने का क्या सवाल है, होंगे भी, तो उनका ये आर्टिकल है, तो वे यू समझो एक प्रत्यक्षदर्शी है इस घटना को, तो वे कुछ लिख रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी इसलिए है, थोड़ी मैं बताऊं, ये प्राकृतिक चिकित्सक उस जोन के रहे, वर्धा के, वेर इज वर्धा लोकेटेड, वर्धा महाराष्ट्र, वर्धा की क्या विशेषता, ये विदर्भ में नियर नागपुर यू कैन से, वर्धा की क्या विशेषता है, जैसे साबरमती आश्रम है, जैसे शांति निकेतन है रविंद्रनाथ टैगोर का, गांधी जी का, ये प्रचलित है ना, वैसे वर्धा ये मूल आश्रम रहा, साधना भूमि रही विनोबा भावे की। तो देखिए मैं थोड़ा सा आर्टिकल के माध्यम से कुछ कहूंगा, आवश्यकता पड़ी तो पढ़ूंगा, नहीं तो फिर उसके बिना भी काम चलेगा। यहां पर बात ऐसी है कि यहां पर अभी अभी ताजा संलेखना हुई है विनोबा की, तो वो आर्टिकल लिख रहे उसको, और ये हाउ इज दिस पर्सन कंसर्न्ड विद द केस, क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सक रहे उस जोन के, तो बार बार ये विनोबा जी के संपर्क में बने रहे। तो वे ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर को, वैसे मैं थोड़ी और पहले बात बोल दूं आपको, 1976 में वर्णी जी, जिनेंद्र वर्णी, उनको लगा कि मेरा देह अभी जीर्ण शीर्ण हो रहा है, मुझे संलेखना लेनी चाहिए। ये कब की बात है,
1976 की, तो उन्होंने एक लिखित रूप में विनोबा भावे को एक चीज लिखी। उसमें वो पूरे डिटेल्स लिखा था कि मैं अभी संलेखना की सोच रहा हूँ, या आपस में पत्र व्यवहार इनका चलता रहता था सब। तो विनोबा भावे के पास जब भी ये चिट आई, और बहुत प्रेशर भी आया साथ साथ कि कुछ भी करो रोको इनको, जिनेंद्र वर्णी जी को रोको इनको, समाधि संलेखना से दूर रखो, अभी नहीं करना है। तो शांति सागर महाराज की भी एक चिट्ठी आई विनोबा भावे को, ये सब इसमें लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूं। और साथ साथ अपने कारंजा के धन्य कुमार भोरे, नाम तो आपने सुनने का सवाल ही खड़ा नहीं है, देखने का तो वैसे ही सवाल खड़ा नहीं है तुम लोगों का क्योंकि वे तो गुजर गए, अभी 7-8-10 साल हुए होंगे क्या मालूम, लेकिन वो बहुत अच्छा एक अग्रणी विद्वान रहे महाराष्ट्र जोन के, और अधिकांश ग्रंथों का उन्होंने मराठी अनुवाद किया है, बहुत अच्छी सात्विक प्रवृत्ति के एक विद्वान रहे। तो देखिए वे भी वहां पर पहुंच गए, कहां पर, वाराणसी, जहां पर अपना एक प्रकार से हेडक्वार्टर बनाया था, किसने, जिनेंद्र वर्णी, वेरी नाइस। मैं बार बार प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं, आप जागृत तो हो ना बराबर, तो जानते हो उसमें ये लिखा उन्होंने विनोबा भावे जी ने कि महावीर ने देह का त्याग कब किया आप जानते हैं? भैया थोड़ा इस तरफ आओ अरे क्रिकेट में आप लोग करते नहीं है क्या ऐसा है? थोड़ी या हो थोड़ा हो, देखो ऐसा है, फेस पूर्णतः दिखना चाहिए वक्ता का आपको, और सुनो वक्ता भी आपको पूर्णतः देखे, इस प्रकार आपको बैठना चाहिए, उसमें कुछ रहस्य होता है। आप गाफिल थोड़े हो जाए तो वक्ता सचेत करेगा, पर्सनली भी आपको ज्ञान कराएगा, पर्सनल अवेकनिंग कराएगा। और एक एक्सप्रेशंस को देखने की मुख्यता होती है इसमें, ये कहां तक आए, कहां कुछ कह रहा था महावीर भगवान, उन्होंने चिट्ठी में लिख भेजा बैक कि महावीर भगवान क्या आयु में गए, तो वहां पर उन्होंने, वो तो सब जानते ही थे, उनके हर एक पर प्रवचन है, टू योर सरप्राइज एक एक आपको बौद्धों पर, जैन पर, गीता पर, हर एक पर उनके प्रवचन मिलेंगे। और जानते हैं ये जितने भी अच्छे काम होते हैं प्रतिकूलताओं में ही होते हैं, भले लोकमान्य तिलक हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, विनोबा भावे हो, सबका सब साहित्य का सृजन बोलिए जेल में बैठकर हुआ है क्या बोला, पूरा लिटरेचर जितने भी लिखा, ये गीता पर जितने भी अध्यापन प्रवचन किए हैं 18 अध्याय पर हजारों, वो सब जेल में हुए सब क्रमबद्ध। और वे स्वयं उन्होंने बोला ये जेल में नहीं रहता तो ना ये क्रमबद्ध प्रवचन बनते, ना इनका संकलन भी बहुत अच्छे से हो पाता, उसका रिकॉर्ड भी होता था, सब ये वहीं पर रहकर होता था जेल में। तो देखिए मुझे तो क्या कहना है, तो उन्होंने लिख भेजा कि वे 72 की उम्र में चले गए महावीर, और बोले कबीर आदि भी कब गए, सबका लेखा जोखा एक उन्होंने भेज दिया कहकर, और कहा अभी तो आप 50 के हो और मैंने आपको देखा समझा है, अभी ये कुछ कदम नहीं उठाना है आपको, और ये लिख भेजा पहले विनोबा, पहले मैं समाधि करूंगा और फिर आपका नंबर लगेगा, ऐसे उसमें ये भी लिख भेजा था। ये एक अपना एक भावुकता भरा कथन है, बाद बाकी प्रतिकूलताओं को किसने देखा है, उम्र में तो नहीं बांध सकते ना आखिर संलेखना को, वो तो अकस्मात आई हुई प्रतिकूलताएं भी होती है बहुत सारी। तो फिर आगे चलकर ये एक नवंबर 1982 का दिन था, जिस दिन विनोबा भावे ने आहार पानी जल आदि समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया, ये संलेखना की तरफ बढ़ गए थे। अभी क्या दिन था वो, 1 नवंबर 82 की बात है। तो अब देखिए ये जीवन भर अभ्यास था इन लोगों का, आहार पान आदि का त्याग उनके लिए कोई बड़ा संकट नहीं रहता था। अरे जिस दिन, अब पढ़ना बहुत गांधी जी इनको सब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे, देखो लोक की आजादी की बात हो या आत्मिक आजादी की बात हो, निष्कर्ष रूप से कोई काम करना हो तो सबसे पहले इंद्रियों को जीतने की प्रवृत्ति होनी चाहिए सब जगह। जिस दिन पूरा लिखा मिलता था, मैं 4 दिन के बाद मैं जेल में जाऊंगा, जाते ही पहला कदम वहां पर रहेगा मेरा, गांधी जी स्पष्ट बोलते थे फॉलोअर्स को ऐसा,
मेरा पहला कदम उसमें जाएगा तो पहले कदम के साथ मेरी प्रतिज्ञा जारी होगी, बोलो आहार पानी सबका मेरा त्याग होगा, मैं रुकूंगा 10 दिन 20 दिन, देखते हैं फिर उसके बाद ये अप्रोच लेना। पूरी उनके प्रॉपर ये प्री प्लान है ये चीज, ऐसा थोड़ी होता है कि मन में और कर दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो फिर एकदम पहला कदम रखा और सब त्याग हो जाता था उनका। तो फिर सब अंग्रेजों को भी पता रहता, देखो अंग्रेजों को भी डराने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, अब जानते हैं, सब जानते थे अंग्रेज कि गांधी जी यदि अनशन से मर जाए ये भारतीय लोग अपने को छोड़ने वाले नहीं है। उनकी भाषा में कहो तो इस बुड्ढे को किसी भी प्रकार बचाया जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी कोई खैर नहीं है। अब देखे उनको जबरदस्ती कर करके, अब पढ़ लेना पूरा, जबरदस्ती कर करके दूध पिलाया जाता था महात्मा गांधी जी को, और इतना ही नहीं उनका देख देख कर कितने ही जनों ने हमको भी दूध खीर पीने मिलेगा, इसलिए अपने कुछ भारतीय बांधों ने भी ये करने की चेष्टा की थी उपक्रम, लेकिन जानते हो उनको किसने भी मस्का नहीं लगाया। आखिर फिर ठीक है बाबा दे दो, वे जानते हैं ना जो उपेक्षा करता है उसकी, उसको पीछे बराबर एक लगा है एक बॉडी पूरी, ने आपको लेना है ये करना है वो करना है, इसको थोड़ा भी कुछ हो जाए, मैंने कहा ना मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इंडिपेंडेंस के बाद भी जब इंडिया पाकिस्तान का कुछ चालू हुआ थोड़ा भी लड़ाई, आप जानते होंगे थोड़े पास मेरे पास एक फिल्म पड़ी है जिसको चाहिए देख सकता है, तो हिंदू मुस्लिम का थोड़ा चालू हुआ अगेन वो फिर फास्ट का कदम उठा लिया उन्होंने, एकदम मरणासन्न दशा, बस उसी बल पर एक एक लड़ाइयां मिटती थी। फिर नेहरू जी वगैरह कहते थे भाई देखो फिर अपना आदमी चला जाएगा, फिर अभी भी सरेंडर करो सरेंडर, बस वो हो गई यूनिटी, फिर वो गांधी जी ने पहला कदम, फिर वो थोड़ा बहुत लेना चालू करते थे। ये कहने की बात मेरी क्या है, इनके लिए बहुत अन्न पान का त्याग इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती थी, आज ये तो देश कल्याण के लिए कर सकते हैं ये लोग, आत्म कल्याण के लिए तो कुछ भी बाधा नहीं है इनको। अभी देखिए 1 नवंबर 82 में इन्होंने अन्नपान का त्याग कर दिया, इन्होंने जैसे ही त्याग किया एक बहुत बड़ी लहर उठी, सब जगह जगह ये बात पहुंच गई कि विनोबा ने संलेखना की दृष्टि से अन्नपान का त्याग कर दिया है। एक उनके ही निकटवर्ती मित्र ही रहे थे वैसे, उन्होंने गोपीचंद वालेचा वर्धा के ही एक मित्र, क्या नाम श्री गोप, इसका तो पॉइंट वाइज आप बना सकते हैं एक एक चीज, ये बहुत अच्छी चीज है आपके रिकॉर्ड के लिए। गोपीचंद वालेचा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी, वो ये इस बात की मांग करने के लिए कि आत्महत्या है किसी भी प्रकार रोका जाए, विनोबा जी को रोको। हाईकोर्ट ने याचिका इस आधार पर खारिज कर दी, आउट कर दिया उसको, किस आधार पर कि व्यक्ति स्वातंत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और फिर कुछ समर्थन के रूप में विनोबा जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी स्टेप है, इस रूप में भी कई विद्वान सामने आए और उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे जिसका मूल विषय यह था कि संलेखना आत्महत्या नहीं है बल्कि यह तो जीवन परिष्कार की प्रक्रिया है। विद्याधर जी आदि ये तत्कालीन सब विद्वान रहे, उन्होंने सब आर्टिकल्स आगे अहेड किए। इंदिरा गांधी ने उस समय में, इंदिरा गांधी कौन होगी, इंदिरा गांधी की क्या स्टेज होगी 1982 में, एसेसिनेशन कब हुआ है अब कुछ नहीं जानते तो आप तो बोलना चाहिए धड़ाधड़ इतना। तो तब पीएम के स्टेज पर होगी वो, अब वो वहां से वर्धा मिलने आई किनको, विनोबा जी को, ये भी बहुत समझना जरूरी है। उनमें कॉन्वर्सेशन क्या हुआ मैं इन्हीं के शब्दों में थोड़ा पढ़ के दिखाता हूं। देखिए उसी अरसे में, देखो ऊपर एक आर्टिकल जो समर्थन में लिखा तो उसका थोड़ा पढ़ के दिखाऊ, संलेखना आत्महत्या नहीं है बल्कि यह तो जीवन परिष्कार की प्रक्रिया है कि जब शरीर किसी भी प्रकार से अक्षम और निष्प्रयोजन हो जाता है, साधना भी नहीं की जा सकी, तब शांति और समता पूर्वक उसका त्याग ही आत्मा को शुद्ध दशा की ओर प्रयाण का द्वार है। वो अवेकनिंग भी बहुत करी,
सोशल वर्कर्स ने आके खोलने का प्रयास किया कि ये सच्चाई है, इसको फेस करने का प्रयास करो। हम मोह पाश में फंस कर अथवा द्वेषवश इसको कुछ भी लांछन न लगाए। फिर गांधी जी ये उसी अरसे में उसी पीरियड में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्धा आकर बाबा से जल ग्रहण करने का अनुरोध किया। पहले तो ऐसा होता था, बहुत रिस्पेक्टली चलता था, क्योंकि क्योंकि कितनी रिस्पेक्टेबल उन्होंने कदम उठाया है। अन्न जल का जिसको भाव नहीं है, राग नहीं है, उसको दुनिया के कौन से अनुकूलताओं की और प्रतिकूलताओं की कदर होगी। जो ये हथियार डाल सकता है उसको जीव किसी भी जगत के कोई अनुकूलता प्रतिकूलता को कोई बात ही नहीं है उसमें। देखो तो फिर क्या टॉक हुआ उनका मैं बताना चाहता हूं आपको। फिर और एक बिंदु पर मेरी तरफ से मैं उठाऊंगा। बाबा ने, हु इज दिस बाबा, विनोबा भावे को बाबा कहा जाता था। बाबा ने जब बापूजी गांधी जी को कहा जाता था, जितने बड़े जीव है उनके नाम लेना ठीक नहीं लगता ना, तो एक कोड निकाला जाता है। बाबा ने इंदिरा गांधी को ही, इंदिरा गांधी ने कहा, अनुरोध किया कि आप जलपान कुछ ग्रहण करें। बाबा ने उल्टा इंदिरा जी को यह बोला कि बाबा ने इंदिरा गांधी को ही राम हरि का जाप करने का अनुरोध किया। क्या ये कह रहे आप जलपान को ग्रहण करो, ये कह रहे नहीं नहीं, बल्कि आप ही राम हरि का जाप करो, मतलब आत्मा परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, ये टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है अभी। तो उन्होंने उनको सलाह दी बल्कि बस। और बाबा ने स्वीकार नहीं किया ये कुछ भी, और उनका चलता रहा। अगेन अगेन अभी प्रकरण पूरा नहीं हुआ है, इसके बीच में मैं कुछ और बात बोलूं। एक क्यों भाई, यदि गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स कायदा कानून बने तो फिर तो हम तो कुछ ही नहीं कर सकेंगे। तो भैया क्या अपने वैराग्य को देखकर कोई कदम उठाया जाता है कि कानूनावली और नियमावली को पढ़ पढ़ के कोई कदम उठाता है? और जो अपने वैराग्य को देखकर कोई कदम उठाता है वो दुनिया के कोई भी रूल्स रेगुलेशन को बिल्कुल मैटर नहीं करता। सेठ सुदर्शन को देख लो, उठा के लेके गए तो क्या क्या तकलीफ है उनको, और फिर अंत में ऐसी तो दशा हुई थी। कल की उपकल की जब जब भी होंगे उनकी भी दशा तो ऐसी ही होंगी ना। तो सब कुछ मिटता देखकर वे तो सरेंडर नहीं करते किसी को। और कानून कायदा क्या कहता है भाई, नग्नता पर रोक लगेगी, फिर ऐसी रोक लगेगी, उनके रोक को लेकर फिर क्या मुनि होना बंद होंगे क्या? मुनि भेषी तो जरूर बंद होंगे, लगाम लगेगी, ये तो बहुत अच्छी चीज होगी, बल्कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रीति नीति तब देखने में आएगी। क्या क्या बोला मैंने, यह अकबर का याद आ रहा है? अकबर ने नोटिस जारी करी कि कल जो तानसेन बैजू बावरा के जो होगा यहां पर क्या कहना चाहिए उसको, कंपटीशन बोल दो, जो होगा दोनों का, उसमें कोई भी गर्दन नहीं हिलाएगा। ठीक है, अब गर्दन नहीं हिलाएगा क्यों? गर्दन नहीं हिलाना मतलब वो अनुमोदन करना उसका, और सबके पीछे जिसकी भी गर्दन हिली दिखी हम गर्दन अलग कर देंगे। और उसी के बीच में एक जन गर्दन हिला रहा था वाह 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 के रूप में, बोलो उसकी गर्दन छाट दी होगी फिर? वो सच्चा आशिक है उसका, वो सच्चा चाहता है। ये संगीत का प्रेमी सचमुच ये है। क्यों? कितनी भी प्रतिकूलताओं को थोड़ी देखता है वो, फिर वो सहज की प्रक्रिया वो होकर रहेगी। गवर्नमेंट ने नियम किया है नग्न कोई नहीं घूमेगा, ऐसा नहीं घूमेगा, वैसा नहीं घूमेगा, तो तुम्हारे अनुसार चलेगा क्या हमारा? हमने तो उखाड़ फेंका, तुमको जो दिखे सो करो। और मानतुंगाचार्य आदि आदि सबको जेल में डाला, ये में डाला, अब वो कहां पार पड़ गया ऐसी, तो समझ में आता है। चलना आगे देखिए, पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ो। एक सरमद था, सरमद मैंने आपको बताया था, नंगा घूमता था अकबर के काल में, और जैनत्व का प्रचार किया, मुस्लिम बीइंग मुस्लिम। और देखो उसको औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था। अब वो वहां का भी पूरा लिखा है, उसकी प्रवृत्ति कैसे रहती थी, ना ढंग से सोता था, ना कुछ बोलता था, ना चलता था, अपने आप में मगन रहता था, ऐसा कुछ छंद है। तो जानते हैं औरंगजेब पर बहुत, उस तत्कालीन राजा पर बहुत प्रेशर बना, जो भी राजा रहा होगा, कौन था वो लड़का उसका, दारा, दारा जो भी होगा,
बहुत प्रेशर रहा उनके बाद औरंगजेब आया ना दारा को मार के, और दारा ये तो चाहता था जैनियों को बहुत, मुस्लिम शासक के सब कोई विरोधक थोड़ी थे, इसलिए तो मुस्लिमों ने ही सुल्तान शब्द क्यों खड़ा किया जानते हो आप? मैंने अभी पूरा लिया इसको, सुल्तान वर्ड भी सूरी त्राण है मूल में, वो क्या है वर्ड सूरी त्राण, ये आचार्यों की रक्षा करने वाले, मेरी तरफ से कुछ नहीं। आपको लगता होगा ये बहुत जुगाड़ जुगाड़ लगाते हैं, मेरा कुछ नहीं है बाबा, तुमको क्यों जुगाड़ लग रही है? तुम बताओगे मैं दिखाऊंगा आपको, और देखेंगे तो आप प्रमाण करना। मुस्लिमों ने भी सभी एक सरीके थोड़ी होते हैं, बल्कि औरंगजेब का उल्टा हुआ, जैनियों की प्रतिमा खंडित नहीं करी उसने कभी भी, और पहले हुआ ऐसा, बाद में कभी भी उसने जैनियों की कम से कम प्रतिमा खंडित नहीं करी है, और स्पष्ट कहकर नहीं करी थी। चलो जो भी हो, मैं तो कहां तक आया वैसे, तो सरमद भी जब अंदर गए तो बहुत प्रेशर बना औरंगजेब पर कि उसको खत्म कर दो, तो औरंगजेब ने कहा कि कुछ भी होवे, अपन कितना भी जले मरे ईर्ष्या मत्सर करे, मारा मृत्यु दंड तो कदापि नहीं दिया जा सकता इसके लिए, क्योंकि मृत्यु दंड इसके लिए दिया जाना यह बहुत हीनता होगी भावों की। क्या अपराध के नाम पर क्या 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 दर्ज करेंगे वहां पर? तुम क्या किया उसने बताओ तुम? तो ऐसा तो नहीं हो सकेगा, नहीं किया उसने ऐसा। चलो अपने आओ मुद्दे पर, कहां तक आए हम? तो मैंने तो बीच में एक मुद्दा खोला, वैसे कौन सा मुद्दा खोला है सक्षम? अब ये टॉक चल रहा है इनका, ये टॉक को भी मैं पूरा कर रहा हूं। मैंने क्या बीच में एक मुद्दा खोला? मैंने ये खोलने का प्रयास किया, लोगों की बाइंडिंग के हिसाब से वो बाउंड होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट तो ऐसा कर रही है, फिर क्या होगा? अरे अधीनता में तुमको रहना है लोग के, उनको कौन सा वोट करना है और उनको कौन सी फैसिलिटी चाहिए? भैया मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, वो तो कौन से लोग का संपर्क करना है उनको? वो तो सब छोड़ छाड़ के गए, राजा आए, कोई आए, रथी आए, महारथी आए, सब मिलने। गुरुदेव भी कह देते थे चर्चा थी गई, बड़ा बड़ा सेट आए, थी गई खत्म। अब मुनिराज को तुम बोलोगे तू ये आया वो आया है, उनसे तो ये भी अपेक्षा नहीं कर सकते क्या? चर्चा थी गई नहीं, विकल्प ही थी गया, गृहस्थावस्था खत्म हो गई, तो विकल्प खत्म हो गए ना बुला बुला कर कुछ भी पूछने का। बुला बुला कर मेरे हिसाब से भी तुम आए हो तब भी मैं कुछ बात करूं, जरूरी बिल्कुल नहीं है, तो गृहस्थ ही रहे ना, फिर हम गृहस्थपना त्याग कर है ना, गृहस्थपना त्याग, सब वो मिलने हैं आपके लिए, हमसे मिलने कैसी बात करते हो? हमारा मिलना जुलना किससे होता है? हमसे मिलना है मतलब, तो उन्होंने गलती पा ली है, हमसे कोई मिला जाता है, हमसे मिलने की एक ही प्रक्रिया है, बोलो उतारो, हमसे मिलने की एक ही प्रक्रिया है, क्या मिलना किसको कहते हैं मालूम? तेल और पानी में मिलने की बात होती है। अब मिलने के लिए तुमको कपड़े उतारने पड़ेंगे बेटा, तो तुम मिलोगे, और तब भी हम अमेल मिलाप भी होगा वो भी, और सुनो ऐसा अमेल मिलाप तो वहां पर भी है, कहां पर? सिद्ध चक्र में भी है ऐसा, तो सिद्धों में भी साथ में रहना मात्र के मिलना होता है क्या? द्विविध संग बिन सिद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यान, ठीक है। मैंने एक दिन लिया था यहाँ पर, जयसेन आचार्य है ना, उनके पिताजी भी मुनि थे, उनके दादाजी भी मुनि थे, तीनों एक ही संघ में, परंपरा ऐसी चलती थी। तो उनके पिता ने बहुत आग्रह किया, तो लिखना, तो केवल एक, तो कहते हैं कि हमारे गृहस्थावस्था के पिता है, उन्होंने लिखा प्रशस्ति में, और फिर उनको बार बार बन रहा है प्रेरणा के रूप में कि लिखो, मैं तो लिख रहा हूं, एक धर्म के प्रति झुकाव के रूप में लिख रहा हूं, कोई पिता कह रहे इसलिए मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा उसको। अभी देखिए आगे क्या हुआ, इसको बढ़ो, ये आज की डेट क्या होगी, डेट क्या है आज की 1 नवंबर 82 में तो उन्होंने अन्नपान का त्याग कर दिया है। 13 तारीख थी, कितनी? 13 तारीख। 13 तारीख को उन्होंने एक जन को बुलाया और पूछा, वे इन मूलचंद जी के पास आए थे कि विनोबा जी ने पूछा है महावीर भगवान का निर्वाण कब हुआ था? ये 13 तारीख की बात है, अभी तक अन्नपान का त्याग ही है, तो बस उन्होंने कहा द डे आफ्टर टुमारो 15 तारीख को, वो तो तिथि में ही है, खैर वो तो कोई तारीख की तो बात नहीं, लेकिन तब जब ये गए थे तो 15 नवंबर कहते, 15 नवंबर सुबह पौ फटने के समय, ऐसा कहते हैं उसको, मतलब इसका मतलब है अबाउट टू
डॉन, डॉन भी नहीं हुआ था कह सकते उसको, एक पांच का टाइम था और तब वो निर्वाण हो गए। बिल्कुल उसी टाइम पर इन्होंने देह का त्याग किया। अभी देह का त्याग किया ये कोई पर्पसली और प्रीप्लान नहीं हो सकता, लेकिन एक कुछ ऐसा संयोग बना तो फिर ये सब जगह हो गई। तो फिर उन्होंने बस पूछा था 13 तारीख को कब हुआ था निर्वाण इनका, तो कहते ये 15 तारीख को सुबह हुआ था, और बिल्कुल 15 को ही, और बिल्कुल सुबह। सुबह तो इसलिए कह रहा हूं 9:30 बजे डिक्लेयर किया था उनको कि ही इज नो मोर डॉक्टर्स ने, लेकिन बिल्कुल सुबह से ही पुलिस वगैरह सब उस कैंपस में घूम रहे थे। मतलब एक प्रकार से ऐसा लगा था कि उनके श्वास श्वास फिर इनको दिखाओ उनको दिखाओ ये चल रहा था, तो ऐसा अनुमान है। उसी दिन नहीं उसी टाइम पर उन्होंने देह का त्याग किया। ये इतना कोइंसिडेंस है, और मैंने इसको दिखाने का पढ़ने का भाव इसलिए है कि आपको ज्ञान में रहे कि उस समय में भी उनके प्रति भी ये सब कोर्ट में रखी थी बातें और वो सब खारिज की गई थी। और उन्होंने देखो ये लोक विरोध का मूल कारण होता है हमारी असफलता। क्या कहा? लोक विरोध तब ही हो पाता है। इसलिए मैं कहता हूं एकाध जन समाधि में गड़बड़ करेगा तो वे तो अटैक करेंगे, आप तो आत्महत्या है, आप तो जबरन दे रहे हैं, आप तो फिर तो लांछन तो वो संलेखन देने वाले पर भी आएगा, बेचार वो भी संकट में फंस जाएगा। एक की असफलता होगी तो फिर पूरा धूमिल हो जाएगा, और सफलता होगी तो किसी को कोई बात नहीं है उसमें, हमको सफल कुछ करके दिखाना है। ओके, अब वो ये हुआ, अभी थोड़े दिन पहले बात आई थी ना, वो मैंने पहले दिन आपको कहा था कि मांगी थुंगी में कि वो अभी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और उनकी डेडलाइन खड़ी है 5 दिन के बाद, तो और उनका त्याग कराना चालू किया है। मैंने कहा था ना आपको पहले दिन, आप लोग नहीं थे क्या? आप लोग नहीं थे। उनका फिर से कोई संपर्क नहीं बना, हमने तो करने का सवाल ही नहीं, लेकिन तो उन्होंने तो पूछा था क्या किया जा सकता है, तो हमने यही कहा था कुछ अपनी चलेगी क्या, और वो जिनके काबिले में है, जिनके वो कब्जे में है अभी आर्यिकाओं के, वे क्या अपनी मानेंगे क्या? उनके जब आदमी उनके अनुसार उनके पास रह रहा है तो उनके अनुसार ही चलेगा ना, कुछ भी अपनी कब मानने वाले हैं वे। लेकिन नियम यह है स्वस्थ दशा में संलेखना किसी को भी नहीं दी जाती, नहीं लेनी चाहिए। वैसे ही मानव पर्याय से हाथ धोना कोई समझदारी का काम नहीं है, कोई समझदारी का काम नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पर छठवां सातवां गुणस्थान बन सकता है और वहां पर बहुत होगा, और इतना पुण्य कहा है तो कहां जाने वाला है अभी? कहां पर कहां जाने वाला है? ग्रेवे के वेग तो जाने नहीं वाला है अभी, तू तो जाके कहां जाएगा? देवांगनाओं के बीच में ही तो रहेगा तू, तो वहां पर जाएगा और बरबस असंयम में फिर से जाना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। जितना टाइम छठे सातवें गुणस्थान में यहां पर बन सकता है, मानव पर्याय के लिए तरसते हैं। नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, वे तरसते यहां के लिए, और तू वहां जाने के लिए तरसता है, तो ये कोई समझदारी नहीं होती। टाइम तो हो गया है, चलो अपना जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण के कंटिन्यूएशन में हम कल से चलेंगे। तीसरा छंद हमारा चल रहा था इसमें से, जिसमें बात आ रही है कि संलेखना यह आत्महत्या नहीं है। कारण? क्योंकि उसमें रागादि के अभाव निहित है, रागादि मंत्रेण, और नास्ति आत्मघात हो, ऐसा ऐसा स्पष्ट उन्होंने की है। और अपन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी किस प्रकार सिद्धि हो रही है इसकी, हम इसको देख रहे हैं। ओम नमः।